सो हाय गाइस, तो मित्रों और मित्रणियों, अपने गेम के अंदर आने जा रहा है वैलेंटाइन्स का इवेंट। और सबसे मजे की बात तो गाइस ये है कि इस बार का जो वैलेंटाइन्स इवेंट है वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट एंड मेगा इवेंट भी है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ गाइस, तो देखो जबकि मेगा इवेंट है वैलेंटाइन्स के इवेंट, तो इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने वैलेंटाइन्स इवेंट के बारे में, क्या कुछ आपको फ्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे वैलेंटाइन्स इवेंट के चलते, एंड साथ में बात करेंगे क्या कुछ ओल्ड रेयर आइटम्स बैक आएंगे वैलेंटाइन्स इवेंट के लिए, जैसे कि रोज इमोट, हार्ट इमोट या फिर कहा जाए और भी काफी सारे रेयर इमोट है, साथ में कुछ रेयर बंडल्स वगैरह है, तो क्या कुछ आइटम्स बैक आएंगे आज सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और तो और इसके अलावा गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने बरमुंडा ड्रीम्स इवेंट के बारे में, उसके अकॉर्डिंग कुछ फ्री का रिवॉर्ड्स निकल कर आया है, साथ में इन गेम के अंदर इवेंट किस तरीके से दिया जाएगा आज उसके भी मैं मेन इंटरफेस दिखाऊंगा, और कुछ काफी कमाल का इवेंट आप सबको गेम के अंदर नजर आएगा बरमुंडा ड्रीम्स इवेंट के थीम पे, जिसके अंदर सबको फ्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट मोको स्टोर इवेंट के बारे में, साथ में कुछ और भी इवेंट्स को मैं इस वीडियो के अंदर कवर किया हूं, अपडेट्स भी कवर किया हूं, इसलिए लोग वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि वैलेंटाइन्स इवेंट के थीम पे जितने भी फ्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे और अपकमिंग आइटम्स वगैरह गेम के अंदर बैक आएंगे सबको मैं एकदम डिटेल में कवर किया हूं, इसलिए स्किप ना करके वीडियो को एंड तक देखना। सो आओ गाइस फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और पहले हम बात करेंगे इन गेम के अंदर आए हुए एक न्यू इवेंट के बारे में। मैं कल के वीडियो के अंदर कवर किया था कि गाइस आप सबको बहुत जल्द अपने गेम के अंदर अपने जो न्यू ग्लूवल स्कैनर 150 का वो देखने को मिल जाएंगे, और ग्रैंड डबल ने आज के दिन ही अपना 150 का ग्लूवल गेम के अंदर ऐड करा दिया है एक न्यू ओएवी इवेंट के जरिए। तो इसलिए गाइस पहले इसको थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कैसा ये इवेंट है। तो बेसिकली गाइस देखो, ऐसा इवेंट अभी भी अपने गेम के अंदर एक बार भी आया नहीं है, और ये पहली बार कुछ ऐसा इवेंट दिया गया है जहां पर आपको जो यहाँ पर लॉक लगा गया है लॉक को अनलॉक करना है, और उसके लिए डायमंड की जरूरत पड़ेगा, जिसमें कि जो सबसे पहला लॉक है उसको अनलॉक करने के लिए लगने वाला है 9 डायमंड। आप लोग यहाँ पर से किसी भी एक लॉक को अनलॉक कर सकते हो। और गाइस देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा रूल्स दिखाऊं इवेंट किस तरीके से काम करेगा, आपको 5 लॉक अनलॉक करना है डायमंड देकर, फिर आपको जो ग्लूवल है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। गाइस देखो जिनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली इस वाले इवेंट के अंदर कितना डायमंड लगने वाला है, तो यहाँ पर मैं एरो करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। पहला जो लॉक है वो होगा 9 डायमंड से अनलॉक, दूसरा लॉक होने वाला है 19 डायमंड से अनलॉक, और इस तरीके से आप लोग जितना सारे लॉक को अनलॉक करते रहोगे उतना ही डायमंड का प्राइस बढ़ता रहेगा। जैसे कि गाइस यहां पर तीसरा होगा 50 डायमंड से, चौथा होगा 99 मतलब कि लगभग 100 डायमंड से, और बिल्कुल पांचवा लॉक अनलॉक होगा 399 डायमंड मतलब कि 400 डायमंड तकरीबन। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो भाई देखो ऑलमोस्ट 580 डायमंड लगने वाले हैं इस वाले ग्लूवल को लेने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हो सिर्फ एक ग्लूवल का यहां पर प्राइस दिया गया है 580 डायमंड। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये प्राइस बहुत ही ज्यादा है, सिर्फ एक ग्लूवल का प्राइस यहां पर रखा गया है 580 डायमंड। भाई ये हर किसी प्लेयर के लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो कोई भी इसको लॉक को अनलॉक करने मत जाना, क्योंकि गाइस देखो आपको मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि जब भी गेम के अंदर कुछ न्यू इवेंट आता है मैं उसी को अपने हर बार अपने वीडियो में कवर करता हूं, अपने उसी रात को जिस दिन सुबह गेम के अंदर इवेंट आता है उसी रात को मैं वीडियो के अंदर उस वाले इवेंट को कवर करता हूं। तो इसलिए गाइस देखो मैं एक ही बात बोलूंगा, मेरे वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसमें स्पिन क्या करो ताकि आपको सच्चे ही पता चलेगा इवेंट का कि असल में इवेंट में कितना डायमंड लगने वाला है और आप लोग कितना लगाने के बाद आपको मिलेगा। बाकी तो डायमंड आपका है, तो डिपेंड आपको ऊपर करता है। मैं इधर से अपना एक ओपिनियन था जो कि मैं बता दिया, इसके आगे आप सबको डिपेंड करता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं अपने बरमुंडा ड्रीम्स इवेंट के ऊपर। सो आप लोग गाइस यहां पर अपना बरमुंडा ड्रीम्स इवेंट का न्यू इंटरफेस देख पा रहे हो, जो कि अदर सर्वर के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गया है इवेंट, और उसी का ये इंटरफेस है जिसके अंदर आप सभी को 4 फ्री के रिवॉर्ड्स भी देखने को मिल रहा है, जिनमें की एक फीमेल का बंडल दिया गया है, साथ में एक बैकपैक है और एक पैन का स्किन है, साथ में एक बैट का स्किन दिया गया है। तो ये चारों स्किन आप सबको भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है अपने इंडिया सर्वर के अंदर। बात करिए इवेंट कब से स्टार्ट होगा अपने इंडिया सर्वर में, तो भाई देखो आप सबको 21 जनवरी के दिन से अपने गेम के अंदर बरमुंडा ड्रीम्स इवेंट देखने को मिल जाएंगे, और इसका फ्री रिवॉर्ड को भी गेम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जो कि आप सबको अलग अलग मिशन कंप्लीट करने के बदले में कुछ टोकन वगैरह मिलेंगे, जिस टोकन को यूज करके आप लोग फ्री के रिवॉर्ड को जो एक्सचेंज कर सकते हो। बाकी गेस्ट को क्या कुछ आपको फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं उसका रिव्यू मैं कुछ टाइम बाद कराऊंगा, इसी वीडियो में कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे। उसके पहले मैं बात कर लेता हूं अपने नेक्स्ट मोको स्टोर इवेंट के बारे में। गाइस देखो अपने गेम के अंदर नेक्स्ट में जो मोको स्टोर का इवेंट आएगा वो आने वाले अपने 150 इवेंट के थीम पे, जिसके थीम पे आपको 2 आइटम्स अपने नेक्स्ट मोको स्टोर इवेंट में देखने को मिलेंगे, जिनमें एक स्कार का गन स्किन है और दूसरा एक सीथ का स्किन है। अब ये जो सीथ का स्किन आप लोग इसका रिव्यू देख पा रहे हो, पर्पल कलर में इसको डिजाइन किया गया है, देखने में काफी बढ़िया है और लेजेंडरी सीट के स्किन आप सबको देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी हम बात करें स्कार गन स्किन, तो भाई ये भी आपको लेजेंडरी मिलता है, एनिमेशन और इफेक्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसके अंदर दिया गया एट्रीब्यूट्स, तो आप लोगों को मिलेंगे सिंगल रेट ऑफ फायर और साथ में दिया गया है डबल एक्यूरेंसी, जो कि देखा जाए थोड़ा मोटा एट्रीब्यूट बढ़िया है। और हाँ माइनस की बात करें तो मूवमेंट स्पीड को माइनस किया गया है, तो कोई खास फर्क इस वाले स्कार गन के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए गाइस आप में से जिनके पास भी कुछ भी बेहतर गन स्किन नहीं है अपने स्कार का, आप लोग इस वाले मोको स्टोर इवेंट के अंदर फर्स्ट जो 1 और 2 स्पिन आप लोग करके देख सकते हो, जिनमें कि एक 9 डायमंड से है और दूसरा 19 डायमंड से है, उसके आगे स्पिन करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों में मिलता है तो सही बात है, वरना आप लोग समझ लेना कि आपको बिल्कुल लास्ट स्पिन में ही मिलेगा, जिसलिए पूरा डायमंड खर्च करने की जरूरत नहीं है। खैर अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम बात करने वाले अपने बरमुंडा ड्रीम्स इवेंट के चलते फ्री के कुछ रिवॉर्ड्स, जो कि आप सबको अपने बरमुंडा ड्रीम्स इवेंट के अंदर से ही देखने को मिल जाएंगे मिशन वगैरह कंप्लीट करने के बदले में। सबसे पहले गाइस यहां पर हम बात करें रिवॉर्ड्स की, आप लोग यहां पर एक फीमेल का बंडल देख पा रहे हो, ये वाला फीमेल का बंडल आप सबको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। हालांकि मैं बता दूं फ्री से मेरा मतलब ये है कि इसके लिए आप लोगों को टोकन वगैरह जमा करना
करना पड़ेगा और टोकन को देकर एक्सचेंज करने पर आपको ये वाला फीमेल का बंडल जो है बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। साथ ही में और भी काफी सारे रिवॉर्ड आप लोग को अपने बरमुंडा ड्रीम्स इवेंट के अंदर से देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग के पेन का स्किन देख पा रहे हो, जिसका मुझे गेम का फाइल के अंदर इसका रिव्यू नहीं था इसलिए मैं रिव्यू नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इमेज में दिखा दिया हूँ। पेन का स्किन आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो बैट का स्किन देख पा रहे हो, बेसिकली ये वाला बैट का स्किन भी आप सबको बिल्कुल फ्री में ही जो देखने को मिल जाएंगे। बाकी बात करें यहाँ पर एक बैकपैक स्किन की, आप लोग यहाँ पर जो बैकपैक देख पा रहे हो ये भी आप सबको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। मैं लेवल 1, 2, 3 तीनों का रिव्यू कर रहता हूँ, देखने में कैसा कुछ आप लोग देख लो अच्छे से। बाकी देखो ये जितने भी रिवॉर्ड है ये सब कुछ बरमुंडा ड्रीम्स इवेंट का है और ये कन्फर्म रिवॉर्ड है, आप लोगों को ये मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बाकी अब आगे बढ़ते वीडियो में और यहाँ पर हम बात करने वाले अपने वैलेंटाइन इवेंट के बारे में। सबसे पहले चीज आप लोग ये जान लो गाइस, देखो फरवरी मंथ के 10 तरीके से ही या फिर 10 तरीके से पहले ही अपने गेम के अंदर वैलेंटाइन का इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ये एक मेगा इवेंट है, तो इसलिए वैलेंटाइन इवेंट को थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया जाएगा इस बार। बाकी पहले बात करते हैं कुछ ओल्ड आइटम्स की, क्या कुछ आइटम्स अपने गेम के अंदर बैक आने वाले हैं। गाइस देखो पिछले साल अपने गेम के अंदर दो इमोट को दिया गया था, जिनमें एक न्यू इमोट था और एक ओल्ड इमोट था, जो कि गाइस देखो पहले था अपना हार्ट ब्रोकन इमोट जो कि एक न्यू इमोट था, एंड साथ में गाइस यहां पर आई हार्ट यू इमोट को भी दिया गया था जो कि एक ओल्ड इमोट था। बेसिकली ये दोनों इमोट को पिछले बार अपने वैलेंटाइन रॉयल के अंदर अवेलेबल कराया गया था। सो यहां पर गाइस अगर हम बात करें रिटर्न में, तो भाई देखो आप लोगों को ये दोनों इमोट इस बार अपने गेम के अंदर वैलेंटाइन इवेंट के जितने रिटर्न में देखने को मिल जाएंगे। और यहां पर हम बात करें न्यू इमोट की, तो आप लोग यहां पर और एक नया इमोट देख सकते हो, ये वाला इमोट भी आप सबको इस बार गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे अपने वैलेंटाइन इवेंट के चलते। बाकी यहां पर हम बात करें फ्री रिवॉर्ड्स की, तो गाइस देखो अभी के टाइम पे अपने गेम के अंदर वैलेंटाइन इवेंट आने में बहुत टाइम बाकी है। आप लोग जानते हो फरवरी मंथ के 10 तारीख के बाद ही अपना इवेंट स्टार्ट होगा, तो आप लोग समझ पा रहे हो कि अभी के टाइम पे बहुत टाइम बाकी है इवेंट्स को स्टार्ट होने के लिए। इसलिए गाइस देखो फ्री रिवॉर्ड के बारे में अभी तक कुछ कंफर्मेशन तो पता नहीं चला है, लेकिन कुछ अपकमिंग न्यू चीजें था और कुछ ओल्ड आइटम्स था जिसके बारे में वीडियो के अंदर मैं कवर किया हूं। बाकी जैसे गाइस मेरे पास फ्री रिवॉर्ड के बाद पूरा जानकारी आ जाएगा कि भाई ये कुछ आइटम्स जो कि आप लोग को वैलेंटाइन के थीम पे बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर उन सबका रिव्यू करा दूंगा। अभी के टाइम पे गाइस आप लोग इतना जान लो कि आप सबको बिल्कुल फ्री में काफी सारे रिवॉर्ड्स जो मिलेंगे अपने वैलेंटाइन इवेंट के चलते, और कुछ न्यू आइटम्स को भी गेम के अंदर करने वाले लाएंगे। लेकिन हाँ ये बात कंफर्म है कि आप सबको इवेंट को जो है कंप्लीट करने के बदले में कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि गाइस देखो वैलेंटाइन का जो इवेंट है ये एक बहुत ही बड़ा एंड मेगा इवेंट है, जिसलिए करने वाले बिना फ्री रिवॉर्ड्स देकर इवेंट को कंप्लीट नहीं कराएंगे। आप सबको फ्री का रिवॉर्ड्स तो मिलेगा ही मिलेगा, अब वो आने वाले टाइम के अंदर मैं कंफर्म भी कर दूंगा एक्चुअल में क्या कुछ रिवॉर्ड जो आपको फ्री में मिलेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के ऊपर। तो बात करते हैं फर्स्ट कमेंट के बारे में, सनी भाई इवोल्यूशन एक कब तक बैक आएगा और सनी भाई पर्पल सेट बंडल कब तक बैक आने वाला है? तो बेसिकली गाइस देखो पर्पल सेट के बारे में मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर नगर चाहेगा तो आने वाले टाइम पे आप सबको दे सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें अपने इवोल्यूशन एक का, तो भाई देखो बहुत सारे सर्वर के अंदर इवोल्यूशन एक को बैक दिया गया है और एक दो दिन पहले ही अपने गेम के अंदर अपना हाइड आउट इवो सेल आया था, जहां पर कि बहुत सारे भाई लोगों को इवोल्यूशन एक देखने को मिला भी था। जिनको नहीं मिला है आने वाले टाइम पे आप सबको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगला कमेंट देख लेते हैं, जो कि ये था कि न्यू फिस्ट स्किन कब आने वाला है, एंड अपने ट्रेन सेक्शन के अंदर जो डेंसो सेक्शन है वहां पर गोल्डन शेयर बंडल और ब्लड मून बंडल को ऐड किया गया है, तो क्या दोनों बंडल बैक आएंगे? पहली बात गाइस अपने गेम के अंदर आपको बहुत जल्दी एक नया फिस्ट स्किन देखने को मिलने वाला है, जिसका रिव्यू ऑलरेडी मैं एक दो बार करा दिया हूं पहले ही। और यहां पर हम बात करें अपने गोल्डन शेयर एंड अपना ब्लड मून बंडल के बारे में, जबकि अपने डेंसो सेक्शन के अंदर ऑलरेडी ऐड किया है, तो जितने भी आइटम्स ऐड होता है अपने ट्रेन सिस्टम के अंदर वो सब कुछ गेम के अंदर आता है, ये पहले आया हुआ है ऐसे चीज है। तो आप लोगों को ब्लड मून एंड गोल्डन सेड आने वाले टाइम पे गेम के अंदर बैक देखने को मिलेंगे। तो अगला कमेंट देख लेते हैं, सनी भाई पोकर एमपीटी रिटर्न का डेट बताइए एंड रोज इमोट निकलने में कितना डायमंड लगेगा? तो पहली बात गाइस को इस बार आप लोगों को वैलेंटाइन इवेंट के थीम पे अगर रोज इमोट आता है तो आप लोगों को लगभग या तो टॉप इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, और अगर इसको अपने वेब इवेंट के अंदर दिया जाता है तो भाई आप सबको ऑलमोस्ट 1500 डायमंड लगने वाले इसको निकलने के लिए। बाकी यार बात करें नेक्स्ट कमेंट की, जो कि ये था कि अपना जो पोकर एमपीटी है वो कब तक आएगा, उसका डेट क्या है? तो बेसिकली गाइस को अभी के टाइम पे कुछ इसका कंफर्म डेट वगैरह पता नहीं चला है, अगर आगे जाके इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन अपडेट मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा। बाकी गाइस मेरा वीडियो आज का यहीं तक था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ कल शाम को और एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।